हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 10 आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको डेली वोकैबुलरी नाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पहला वर्ड मैन्यूमिट। देखिए यहाँ पे जो हमारी रूट है वो है मैन्यू, MANU, इसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, मैन्यू का मतलब हैंड यानी कि हाथ। तो मैन्यूमिट होता है किसी के हाथ को फ्री कर देना। मान लीजिए किसी का हाथ पहले से बंधा हुआ था, उसको फ्री कर देना, उसको छुड़ा देना। ठीक है, टू फ्री समवन्स हैंड। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक वर्ड हो रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी लेख जो हाथों से लिखा गया हो, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। और इससे एक जुड़ा हुआ एक और वर्ड आता है इमेंसिपेट। ठीक है, इमेंसिपेट होता है टू फ्री समवन। ठीक है, यहां पे फ्री का जो तात्पर्य है वो एक तरीके से हाथ से लिया गया है। जब ये पुलिस भी किसी को पकड़ती है तो उसके हाथ बांधती है। ठीक है, हाथ बांधना यानी उस आदमी को पकड़ लेना, और उसके हाथ को खोल देना यानी कि उसको फ्री कर देना। तो इमेंसिपेट यहीं से लिया गया है, टू फ्री समवन। ठीक है, यहाँ पे हैंड तो डायरेक्टली नहीं बोला गया है, जैसे ऊपर मैन्यूमिट में टू फ्री समवन हैंड बोला गया था डायरेक्टली, तो इसमें भी तात्पर्य वही है, किसी का हाथ फ्री कर देना यानी किसी को फ्री कर देना, छोड़ देना। ठीक है, एक वर्ड और आता है इससे मैनेकल, MANACLE। ठीक है, इसका मतलब होता है टू टाई समवन हैंड, किसी के हाथ बांध देना। ठीक है, टू टाई समवन हैंड, इसको दूसरे सेंस में ले सकते हैं किसी को रोकना, किसी का हाथ बांध देना यानी कि किसी को कोई कार्य करने से रोकना। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, रोकना, तो इस सेंस में भी ये यूज हो सकता है। अगला वर्ड आता है एल्यूड। देखिए यहां पे हमारी जो रूट है वो है ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है प्लेइंग, खेलना। ठीक है, एम्यूज, किसी का मनोरंजन करना। ठीक है, या फिर कोज लाफ्टर, एक ऐसी हरकतें करना जिससे दूसरों को हंसी आए। ठीक है, मिमिक्री करना एक तरीके से, मान लीजिए जैसे आप ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो जैसे इस टाइप के वहां पे जो परफॉर्मिंग होते हैं। तो एल्यूड का फिर मतलब क्या निकल सकता है, एल्यूड का मतलब जब ल्यूड से निकाल रहे हैं तो निकलेगा प्लेफुल। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी प्लेफुल हो और काफी खेलता कूदता रहता हो, बिल्कुल चंचल टाइप। ठीक है, ज्यादा जोक वगैरह करता हो, जोकिंग हो। ठीक है, और इसका जो नाउन बनेगा एल्यूड का, एल्यूजन। ठीक है, तो और इससे जो अगला वर्ड इससे हम ले सकते हैं तीन वर्ड इकट्ठे, डिल्यूड या फिर डिल्यूजन या डिल्यूजिव। ठीक है, ल्यूड ही आ रहा है इसमें, डिल्यूजिव। ठीक है, डिल्यूड की फॉर्म है, डिल्यूड का ये जो यहाँ पे नाउन हो गया और डिल्यूजिव यहाँ पे इसके एक तरीके से विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है किसी के साथ गेम खेलना, किसी के साथ प्लेफुल एक्ट करना, लेकिन नेगेटिव वे में, क्योंकि ये डी जो यहाँ पे वर्ड लगा है डी, इसका मतलब हो जाता है नेगेटिव से। तो अगर आप किसी के खिलाफ गेम खेलते हैं वो भी नेगेटिव में, यानी कि आप उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, उसको डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, टू डिसीव समवन। ठीक है, किसी को धोखा देना, किसी के पीठ पीछे उसकी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ हम यहाँ पे वर्ड एक ले सकते हैं प्लोय। प्लोय का मतलब यही होता है किसी के खिलाफ सीक्रेटली प्लान करना। ठीक है, प्ले से अलग हम इसको ले सकते हैं, प्ले से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि ल्यूड का मतलब प्ले से होता है ना। तो प्लोय का मतलब होता है किसी के खिलाफ छिपकर कार्य करना, सीक्रेट वे में कार्य करना, उससे एडवांटेज लेने के लिए। जैसे कि हमारे जो आर्मी के गुप्तचर होते हैं, जैसे कि हमारी एजेंसी है, जैसे रो है इंडिया की, तो ये चोरी छुपके काम करती हैं ताकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जुटा सके दूसरे देशों के पे एक तरीके से हावी होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के सीक्रेट काम करके दूसरों से आगे एडवांटेज लेना, इसको प्लोय बोलते हैं। ठीक है, अब इससे एक और वर्ड निकलता है इल्यूड। ठीक है, और इल्यूजन इसका नाउन हो जाएगा। इल्यूड या इल्यूजन यही होता है किसी को धोखा देना, जैसे कि डिल्यूड और डिल्यूजन होता है। ठीक है, टू डिसीव समवन, किसी के खिलाफ गेम खेलना लेकिन नेगेटिव वे में, ये हो गया। अब हमारा बचता है इल्यूड। इल्यूड होता है कोई ऐसा गेम खेल जाना कि आप बिल्कुल किसी चीज से बच गए,
मैंने आपको बताया था किसी भी सबसे पहले अगर खाली ई लगता है तो उसको पॉजिटिव बना देता है, यानी कि कहीं से किसी सिचुएशन से बच निकल के भाग जाना अपने प्लेफुल एक्ट द्वारा, ठीक है, अपनी शातिरता द्वारा किसी भी मुसीबत से बचकर निकल जाना, टू एस्केप सिचुएशन इजिली, ठीक है, किसी सिचुएशन से बच के निकल जाना बुरी सिचुएशन से, ठीक है। और यहां से एक दूसरा वर्ड बन सकता है ल्यूडिशियस, ठीक है, ल्यूडिशियस का मतलब भी है वो मैंने आपको ऊपर बताया कि ल्यूड का मतलब ऐसा भी हो सकता है जो आदमी दूसरों का मनोरंजन करता हो और उनको हंसी दिलाने की कोशिश करता हो, तो ल्यूडिशियस होता है डेट कोज लाफ्टर, ठीक है, जो एक ऐसी चीज जिससे हंसी आए, ठीक है, ल्यूडिशियस। अब एक और वर्ड आता है यहां से प्रील्यूड, प्री का मतलब पहले, ल्यूड का मतलब एक तरीके से एक्ट या गेम, तो मेन एक्शन से पहले जो एक छोटा एक्शन दिखाया जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो पूरी पिक्चर से पहले छोटा उसका ट्रेलर दिखाया जाता है उसको हम प्रील्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। ए प्राइमरी या प्रिलिमिनरी एक्शन बिफोर मेन एक्शन, ठीक है। और इसका जो नाउन बनेगा वो बनेगा प्रल्यूजन, ठीक है। इन सभी को याद रखना, जैसे इल्यूड का इल्यूजन नाउन है, डिल्यूड का डिल्यूजन, ठीक है, और इसका प्रिल्यूड का प्रल्यूजन। एक और वर्ड आता है यहां से, काफी वर्ड बन जाते हैं इससे, कोल्यूड, कोल का मतलब ग्रुप में, ठीक है, कोल्यूजन, और कोल्यूड यानी कि एक ग्रुप में प्ले करना या फिर एक्ट करना, टू प्ले या एक्ट इन ए ग्रुप या टुगेदर, ठीक है। कोल का मतलब ग्रुप से होता है, किसी वर्ड से पहले कोल लग जाए यानी कि ग्रुप, जैसे कोलोजियम। अब अगला आता है लेविटी, यहां पे जो हमारी रूट है वो है लेवी, लेवी यानी कि लाइट इन वेट। अब जो कोई चीज लाइट इन वेट होगी, कम वजन में होगी, जैसे कि हमारी हाइड्रोजन गैस है, अगर हम उसको गुब्बारे में भर दे तो वो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो इसका सेंस एक ऐसी चीज से भी जाता है लेवी का, जो चीज राइज हो रही हो, ठीक है, राइजिंग, और लाइट इन वेट से भी होता है, ठीक है, जो वजन में कम हो। तो यहाँ पे लेविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर काफी लाइट हो, लाइट बिहेवियर यानी कि जो आदमी सीरियस ना रहता हो, नॉन सीरियस बंदा, ठीक है। या फिर लेविटी को हम बोलेंगे, क्योंकि ये तो विशेषण है लेविटी, तो नॉन सीरियसनेस, ठीक है, जो बंदा लेविटी रखता हो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, नॉन सीरियस रहेगा, ठीक है, लाइट बिहेवियर रहेगा उसका। अब इससे अगला वर्ड निकलता है हमारे पास एलिविएट, देखिए दो वर्ड होते हैं एलिविएट और एलिवेट, इसमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एलिवेट तो होता है किसी चीज को उबारना, दोनों के दोनों की रूट लेवी है, मैंने आपको बताया था कि उबारना, राइज करना, ठीक है। तो एलिवेट का मतलब होता है, जैसे एलिवेटर होता है वो आपको ऊपर लेके जाता है, तो किसी चीज को राइज करना, टू गिव राइज, ठीक है, उठाना। और एलिवेट होता है किसी चीज को कम करना, लेकिन कम करना किस सेंस में, जैसे कि किसी को दर्द हो रहा है उस पर हमने मलहम लगा दिया, तो हमने उसका जो पेन होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो उसका पेन एलिवेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लाइट होना शुरू हो जाएगा, लाइट इन वेट। तो यहीं से ये लेविएट निकल के आया, ठीक है, क्योंकि उसका दर्द जो था पहले लाइट, पहले से लाइट होना शुरू हो गया, टू एलिविएट यानी कि टू रिड्यूस, और ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। वैसे रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना नेगेटिविटी हो सकता है, लेकिन ये जो एलिविएट लगता है ये पॉजिटिव सेंस में लगता है। अब देखिए दुख को कम कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई दूध पी रहा है उसका दूध कम कर दे तो उसके लिए तो एक तरीके से गलत हो गया हो, ठीक है, बुरा हो गया। अब देखिए इससे अगला जो वर्ड बना सकते हैं हम लीवन, एल ई ए वी ई एन, लीवन होता है एक कोई भी थिंग, कोई चीज जो हमें हेल्प करे किसी चीज की क्वालिटी को उभारने में, राइज करने में, एनीथिंग डेट हेल्प इन रेजिंग क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो जो लेवी से जो वर्ड बनते हैं जितने, सभी के सभी एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड बनते हैं, ठीक है, लेविटी, नॉन सीरियस, एलिवेट, एलिवेट, लिवन, ठीक है। अगला आता है लेविटेट, लेविटेट होता है, मैंने आपको बताया लाइट इन वेट, जो लाइट इन वेट होगा तो वो हवा में तैरना शुरू कर देगा, टू फ्लोट इन एयर। ये हम वर्ड कभी जब यूज करते हैं जब हम कोई जादूगर अपनी ट्रिक दिखाता है ना, हवा में उड़ के दिखाता है, कोई देखा होगा आपने जादूगर टेबल पे किसी को लेटा के उसको हवा में उड़ा देता है,
उसको लेविटेट बोलते हैं, ठीक है, इतना लाइट कर देता है वेट में कि वो हवा में उड़ने लगता है, यहां से ये वर्ड लिया गया है लेवी से, ठीक है। एक वर्ड और आता है लेवी, LEVEEI, तो लेवी यानी यहां मैंने आपको बताया उभरी हुई या फिर लाइट इन वेट, तो लेवी होती है मिट्टी जो नदी के किनारों पे उभर उभर ऐसे जाते हैं। मान लीजिए नदी है, जैसे ये सामने से ऐसे बहके आ रही है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है नदी की, तो इसके किनारों पे ऐसे दोनों तरफ मिट्टी उभर उभर के नहीं आ जाती, तो ये लेवी, इसको हम लेवी बोलते हैं, ठीक है। इस ये भी जो लेवी वर्ड लिया गया है ये इसी रूट से लिया गया है, ठीक है, राइजिंग से, क्योंकि मिट्टी उभर जाती है यहाँ पे आके किनारों पे। अब चलते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। पहला है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी के ऊपर कंट्रोल पा लेना, यानी कि किसी को अपना सबड्यू कर लेना, ठीक है, उसका सबड्यू है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, सबड्यू, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर सबजुगेट भी इसके लिए एक वर्ड होता है, सबजुगेट, ठीक है, सबड्यू, उसका सब कुछ हमारे पास ड्यू है, यानी वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन थ्रोट, किसी को गला घोटकर उसकी हत्या कर देना, इसको, इसके लिए वर्ड बनाया गया है STRANGULATE, स्ट्रेंगुलेट, ठीक है स्टूडेंट। हु इज इनडिफरेंट, ठीक है, यहां पे आएगा डिफरेंट, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको या तो पेन हो या फिर उसको खुशी मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो व्यवहार है, जो उसका स्वभाव है, वो न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या हम कहेंगे, स्टोइक। अगर उसको खुशी भी मिले तब भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसको दुख मिले तब भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बिल्कुल न्यूट्रल बिहेवियर वाला बंदा। एन अनमैरिड वुमन, एक वुमन जो अनमैरिड हो उसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड स्पिनस्टर, लेकिन स्पिनस्टर हम हर एक वुमन, अनमैरिड वुमन के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर कोई 22 इयर्स या 25 तक भी, 28 ईयर तक भी कोई वुमन अनमैरिड है तो हम उसको स्पिनस्टर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक उम्र जब ऐसी आ जाए कि जब शादी की उम्र से ऊपर हो जाए, जो मानी जाती है हमारे यहाँ पे 30 या जो भी ज्यादा हो जाए, तो उस एज में जाके फिर हम उसको स्पिनस्टर कह सकते हैं, ठीक है। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे बिल्कुल बिना सोचे समझे खर्च करता हो, ठीक है, पैसे को एक तरीके से बर्बाद करता हो, तो उसको हम बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड यानी कि खर्च करना, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का ले लीजिए स्विफ्ट से, ठीक है, स्विफ्ट का मतलब तेजी से, जो तेजी से पैसे खर्च करता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम, लेविश। अगला, स्टे फॉर शॉर्ट टाइम, मान लीजिए हम किसी जर्नी पे हैं और बीच में हम कुछ किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, अपनी जर्नी में बीच में सो जाते हैं, तो सो जर्न, ठीक है, SOJURN, जर्नी में बीच में सो जाना, सो जर्न, ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। किल बाय सफोकेशन, दम घुटने से किसी की मृत्यु हो जाना, उसको बोलते हैं स्मूदर, स्मूथ नहीं, स्मूदर, ठीक है, स्मूथ में तो SMOOTH आता है, स्मूथ यानी कि बिल्कुल स्मूथ चीज, ठीक है, जो रफ ना हो, लेकिन ये एस यहां पे अगर बीच में से एक ओ हटा दे तो स्मूदर का मतलब होता है किसी को दम घुट के उसकी हत्या कर देना, ठीक है। अगला आता है जॉब इन विच हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल वर्क, एक ऐसी नौकरी जहां पे काम तो बिल्कुल कम हो और सैलरी मिलती हो वहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो लगभग ऐसी ही जॉब है, ठीक है, तो इसके इस ऐसी जॉब को क्या कहा जाएगा, सिनेक्योर, ठीक है। किसी प्राइवेट फर्म में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पे ऊपर पहुंच जाता है तो काम तो काफी कम होता है उनका, वैसे क्वालिटी काम होता है सोचने समझने वाला, लेकिन सिनेक्योर जॉब को बोला जाता है, ठीक है। अगला आता है शॉर्ट स्लीप आफ्टर लंच, ऐसा होता है कि जब दोपहर का खाना खाने के बाद आदमी थोड़ी देर के लिए सो जाता है तो उसको बोलते हैं, उसके लिए भी वर्ड बना दिया, देखो इंग्लिश वाले में साइस्ता, ठीक है, ठीक है, SIESTA। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, एक इतनी ज्यादा उम्र हो जाना जब एक व्यक्ति बिल्कुल बेवकूफों की तरह हरकत करने लगे, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे जब काफी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको थोड़ा अपने दिमाग में होशो आवाज नहीं रहता, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड दिया गया है सैनिलिटी, ठीक है, सैनिलिटी सेंस से निकल गया है, जिसका जो अपना सेंस खो जाए, ठीक है। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। होब्सन चॉइस, होब्सन चॉइस कैसी चॉइस होती है, मान लीजिए किसी आदमी के पेट पे बांध दिया बम और उसके बाद उसको बोला कि भाई जा इस बम को लेके भीड़ के अंदर जा, वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो वो बोलेंगे नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब देखिए वो आदमी भीड़ में बम को लेके जाएगा वो तब भी मरेगा, क्योंकि बम के साथ तो वो भी फटेगा, और नहीं जाएगा तो फिर भी उसको मार देंगे,
यानी उसको तो एक चॉइस मिली नहीं, तो उसको मिली एक ऑप्शन चॉइस, यानी कि नो चॉइस, ठीक है। हिट बिलो द बेल्ट, देखिए बॉक्सिंग में एक नियम होता है कि जो मुक्केबाज होता है वो बेल्ट से नीचे, जो बेल्ट एरिया होता है उससे नीचे हिट नहीं कर सकता, तो अगर वो हिट कर देगा तो उसको अनफेयर माना जाएगा, यानी कि टू स्ट्राइक अनफेयर, ठीक है। हैंड विद ग्लोव विद, किसी के साथ हाथ और मोजे की तरह, मोजा कह रहा हूं, दस्ताने की तरह होना, ठीक है, मोजे तो पैर में पहनते हैं, दस्ताना, तो ग्लोव, हाथ और दस्ताना कितने क्लोज होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो अगर कोई आदमी हैंड एंड ग्लोव है, यानी कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, टू बी वेरी क्लोज टू समवन, ठीक है। हैंग बाय ए थ्रेड, किसी चीज को एक धागे से बांध देना, एक बहुत ही पतले से धागे बांध देना, यानी कि उसको एक रिस्की सिचुएशन में डाल देना, वो धागा कभी भी टूट सकता है और वो कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है, बी इन ए रिस्की सिचुएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। होल ओवर द कोल, होल ओवर द कोल यानी कि किसी को डांटना, टू रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड भी होता है, लेकिन रेप्रीमेंड जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, देखिए आप एक वर्ड होता है डांटने के लिए टू स्कोल्ड, ठीक है, टू रिब्यूक, ये भी इनका मतलब भी डांटना ही होता है, लेकिन रेप्रीमेंड हम ज्यादातर फॉर्मल वे में यूज करते हैं। अब देखिए, एक तो डांटना हमारा हो गया कि हमें कोई अपना बॉस डांटे, हमारा सीनियर डांटे, एक होता है हमारे पापा डांटे, अब खुद आप उसमें अंदाजा लगा दीजिए कि बॉस किस तरीके से डांटता है और पापा किस तरीके से डांटता है, बॉस एक फॉर्मल तरीके से डांटेगा तो वो बोला जाएगा एक तरीके से रेप्रीमेंड, लेकिन स्कोल्डिंग तो ये जनरल होता है, ठीक है, जो हमारे घर वाले हमें डांट देते हैं, हमारे जो, या फिर कोई हमें बहुत बुरी तरीके से डांट देता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं। रेप्रीमेंड होता है किसी को एक फॉर्मल तरीके से डांटना, किसी को एक वार्निंग टाइप देने के वे में डांटना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला, हैव फिंगर्स इन पाई, हैव फिंगर्स इन पाई यानी कि जब पाई बना रहे थे तो उसमें आपकी फिंगर भी पाई गई, यानी आप भी उस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, यानी कि टू बी इन्वॉल्व इन ए वर्क, ठीक है। हैव सेवरल आयरन इन द फायर, देखिए जो लोहार होता है वो एक लोहे का एक वो होता है, उसका फर्नेस टाइप होता है जिसके अंदर आग जलती रहती है, उसके अंदर वो लोहे की छड़ी अपनी गर्म पिघलाने के लिए, उनको शेप देने के लिए उनको रख देता है। अब वो काम कर सकता है केवल दो या तीन, अब उसके अंदर काफी सारी डाल दे, हमने 10 डाल दी, ठीक है, तो अब उसका काम हमने बढ़ा दिया, यानी कि एक समय पर एक से अधिक कार्य को ले देना, ठीक है, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी वर्क एट ए टाइम, ठीक है। हाई एंड ड्राई, कोई आदमी हाई एंड ड्राई तब होगा जब वो डिप्रेस होगा, ठीक है, डिप्रेस सिचुएशन, यहाँ पे हाई एंड ड्राई है, डे नहीं है, ड्राई, ठीक है, हाई एंड ड्राई यानी कि डिप्रेस्ड। हाई लिविंग, ऊंची ऊंचा जीवन, ठीक है, हाई लिविंग, वैसे हाई थिंकिंग होनी चाहिए हाई लिविंग से, तो हाई लिविंग होगी लिविंग विद कंफर्ट, आरामदेह जिंदगी, ठीक है। अगला, हिट द नेल ऑन द हेड, कोई आपको पीट रहा था लेकिन आपके नाखून है और आपने सीधे उसके सिर पे हाथ नाखून दे मारे, यानी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पे बिल्कुल सही काम कर दिया, यानी कि टू डू राइट वर्क एट ए राइट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के हमारे सभी के सभी वोकैबुलरी, हमने रूट वर्ड डिस्कस किए, वन वर्ड डिस्कस किए, साथ में इडियम फ्रेजेस भी डिस्कस करी, और कल फिर हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही इस तरीके से इंटरेक्टिव वे में इन सभी चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, और अगर आप यह वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं या पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कोई आपका डाउट बचता है तो कमेंट टॉप कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है online exams tutorials@gmail.com, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।